हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग व्यू में जाकर आप कैसे चार्ट स्टडी कर सकते हैं। मैं इसमें आप लोग को तीन इंडिकेटर्स बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों बिना किसी देरी के जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने ये ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लिया, उसके बाद यहाँ पर मैं निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। उसके बाद दोस्तों इसमें मैं दो इंडिकेटर लगाऊंगा। दोस्तों अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा टाइम फ्रेम जो है 5 मिनट और 15 मिनट रहता है, तो मैं 5 मिनट सेलेक्ट कर लेता हूं। 5 मिनट सेलेक्ट करने के बाद मैं इसमें सबसे पहले जो इंडिकेटर लगाऊंगा उसको लगा देता हूं। दोस्तों यहाँ नीचे FX करके आ रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर टाइप करना है। देखिए मैंने यहाँ पे फेवरेट में सेलेक्ट करके रखा है, तो मैं इसमें सीधा लगा देता हूँ। जैसे कि मुझे स्टोकेस्टिक RSI लेना है, उस पर क्लिक कर देता हूँ मैं, मेरा आ गया है। उसके बाद मेरे को सेकंड लेना है ट्रेंड लाइन विथ ब्रेक, मैं इसको भी सेलेक्ट कर देता हूँ। तो नॉर्मल ये देखिए दोस्तों ये इसमें लग चुका है। यहाँ पर आप वी वेब को हटा दीजिए, मैं तो अभी मैं दो इंडिकेटर लगाया हूँ। इसमें एक स्टोकेस्टिक RSI है और सेकंड EMA है, मूविंग एवरेज है। तो उसके बाद मूविंग एवरेज को आप अगर ध्यान से देखते हैं तो निफ्टी 50 5 मिनट पे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। उसके बाद मैं 15 मिनट पे चेक कर लेता हूँ। 3 मिनट पे ऊपर नीचे, मतलब थोड़ा ही नीचे है, मतलब वहीं पे ट्रेड कर रहा है जहाँ पे मूविंग एवरेज है। तो दोस्तों इसको देख के एक चीज़ लगता है कि अब ये कहाँ पर जाने वाला है, वो सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ जाती है। अरे कहाँ पे जाने वाला है वो सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ जाती है। अब यहीं पे ये ट्रेड कर रहा है, अब ये ट्रेड कर रहा है 17843 पे ट्रेड कर रहा है। और अब मॉर्निंग में क्या हो सकता है दोस्तों, आप लोग को लग रहा है, अगर मैं अपने हिसाब से देखूँ मंडे को 13 फरवरी को एक बार इसको मैं थोड़ा 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी चेक कर लेता हूँ। 30 मिनट का भी सेम ही है, 45 मिनट में भी देख लेते हैं हम लोग। ये 45 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसमें भी नीचे ही है, नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और वन डे का एक बार लास्ट चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप चेक कर टाइम फ्रेम बदल के चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये देखिए दोस्तों वन डे में देखिए डोजी पैटर्न बन रहा है। तो जब ये बनता है तो इसका सबसे मेन क्या होता है कि ये इंडिकेट करता है कि अभी ये कहीं पे भी जा सकता है। देखिए इसमें डोजी का क्या होता है, बायर सेलर दोनों इक्वली रहते हैं, तो बायर सेलर में लड़ाई चल रही है। अब इसमें क्या है कि कोई एक तो जीतेगा, या तो सेलर हावी हो सकता है या तो बायर हावी हो सकता है। तो अगर वन डे में देखिए तो मूविंग एवरेज ऊपर है, अगर वन डे की बात करें तो मूविंग एवरेज ऊपर है। देखिए जैसे कि मूविंग एवरेज के सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है और शॉर्ट टर्म के लिए ये नीचे शो कर रहा है। तो हम लोग 15 मिनट के कैंडलस्टिक पे जा रहे हैं क्योंकि हमको मंडे को केवल देखना है। वन वीक का हम लोग लेकर चलेंगे स्विंग ट्रेड के लिए, तो अच्छा ही है। ऊपर का ही व्यू हम मुझे लगता है ऊपर ही जाएगा। आप लोग को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों देखिए जैसे कि 15 मिनट पे आके हमको एक बॉक्स दिख रहा होगा, निफ्टी इसी बॉक्स में ट्रेड कर रहा है बहुत दिन से। तो ये 8 से 9 10 इतने दिन से ट्रेड कर रहा है उसी बॉक्स में। तो मैं एक बॉक्स बना देता हूँ, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स। देखिए दोस्तों इस बॉक्स के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, एक हाई बनाया है। तो
अगर आप देखेंगे तो 17,900 और 17,700 इस 200 पॉइंट के अंदर ही ये ट्रेड कर रहा है, मतलब 795 मतलब 800 मान लीजिए और 900, ये 200 पॉइंट के अंदर ही ट्रेड कर रहा है इतने दिन से। देखिए यहाँ से एक मोमेंटम मिला था 7 तारीख को, सपोर्ट लिया 17,652 का, उसके बाद अच्छा अप ट्रेंड दिया था ये निफ्टी ने, उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रहा है दोस्तों, ये कंसोलिडेट कर रहा है 200 पॉइंट के अगर आप देखेंगे ध्यान से, और ये ब्रेकआउट जहाँ तक लग रहा है या तो अपसाइड, कल बैकअप मुझे तो जो लग रहा है कल गैप अप ओपनिंग होने वाली है, और गैप अप ओपनिंग ज़्यादातर चांसेस ऊपर के भी हैं और नीचे के भी हैं, कहीं पे भी ओपन हो सकता है। तो इस टाइम पे तो मैं मार्केट में पहले ओपनिंग का ही इंतज़ार करता हूँ कि ओपनिंग कहाँ होगा, अगर ये कल इसके नीचे ट्रेड करता है 17,795 तो मैं डेफिनेटली इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा, अगर ये कल इसके ऊपर ट्रेड करता है 17,935 तो मैं इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा। देखिए दोस्तों अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो मैं इसमें लॉन्ग जाऊंगा, अब वह तो कल मंडे को नहीं होगा, मैं इसके ऊपर ही ऊपर का ट्रेड लूँगा उसके बाद, और नीचे का तो मैं ज़्यादा मतलब अच्छा मान रहा हूँ कि नीचे अगर आएगा तो इसके बाद मैं 17,095 के बाद मैं अपनी पोजीशन बनाऊँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग दो इंडिकेटर लगाना सीख ही गए होंगे, अगर आपको EMA नहीं पता तो देखिए ये मूविंग एवरेज के जब कोई भी चीज़ ऊपर रहे तो उसमें हमेशा ज़्यादा चांसेस होते हैं ऊपर जाने के, और ये जो RSI है तो RSI में देखिए एक इंडिकेट कर रहा होगा ये जो ब्लू लाइन है, जैसे कि देखिए जब भी आप यहाँ पे आइए ये देखिए इसने यहाँ से ब्लू लाइन है नीचे से उस येलो लाइन को जब क्रॉस किया ये अप ट्रेंड में चला गया, ये ऊपर गया है, आपको कम से कम 80-20-60-30-50 पॉइंट का ये ऊपर का वो दिया है, उसके बाद वहाँ से जब नीचे आया तो ये देखिए ऊपर ब्लू लाइन नीचे क्रॉस की है, देखिए यहाँ पर जो अप ट्रेंड आया तो वहाँ पर नीचे क्रॉस किया है। तो ये कंफर्मेशन के लिए मैं रखता हूँ स्टोकेस्टिक RSI को, जब मैं एकदम कंफर्म हो जाता हूँ, जैसे कि अब कल क्या होगा कि जब ये नीचे आएगा EMA से और सेकंड ये ऊपर से नीचे क्रॉस करेगा तब जाके मैं इसमें पोजीशन बनाऊंगा, जब दोनों कंफर्मेशन देते हैं। और एक चीज़ और है दोस्तों, वो उसको मैं सपोर्ट प्योर्ट पॉइंट है, सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करता है मेरे लिए, उसको मैं ज़रूर ध्यान रखता हूँ, लेकिन सपोर्ट रेसिस्टेंस आप खुद भी बना सकते हैं, जैसे कल का जो लो है, कल का हाई रेसिस्टेंस है, कल का लो जो है वो सपोर्ट है, और कल की क्लोजिंग जो है वो बहुत मेन पॉइंट होता है दोस्तों, इसको हमेशा याद में रख के ही ट्रेड किया करिए। तो मैं जैसे कि एक और इंडिकेटर ऐड करके आपको दिखा देता हूँ, प्योर पॉइंट स्टैंडर्ड, इसको मैंने ऐड कर लिया, ये आ गया प्योर पॉइंट स्टैंडर्ड, इसमें मैं एक बदलाव कर दूँगा 2.5 हटा दूंगा मैं, बस अब मुझे सही लग रहा है, इसका थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ, देखिए आपको सपोर्ट भी दे रहा होगा अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट दे दिया जो मैंने बोला था, इसको ब्रेक होने के बाद मैं पोजीशन बनाऊंगा तो सारे आपको सपोर्ट जोन भी मिल जाएंगे इसको रखने के बाद। तो ठीक है दोस्तों, इसमें आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा कि कैसे क्या स्ट्रेटजी बनानी है, 2-3 इंडिकेटर है जिसको आपने समझ लिया होगा। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, नमस्कार।